भारतीय जनता पार्टी की सांसद और सीनियर स्टार हेमा मालिनी को लोकसभा चुनाव में मथुरा में कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। 75 साल की एक्ट्रेस नरेंद्र मोदी सरकार की छवि और काम पर बहुत अधिक निर्भर है। साथ ही उन्हें 5 ब्रज मंडल में चल रही हिंदुत्व लहर पर भी भरोसा है। हेमा मालिनी के खिलाफ इंडिया गठबंधन से ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह और बहुजन समाज पार्टी से पूर्व IRS अधिकारी सुरेश सिंह मैदान में हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में जाट वोटों का बड़ा हिस्सा लगभग 5 लाख वोट है। हेमा मालिनी लोकप्रिय बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र की पत्नी होने के नाते जाट समुदाय के समर्थन का दावा करती है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह हरियाणा के भिवानी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मथुरा का प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक है। बसपा के सुरेश सिंह सेवानिवृत्ति के बाद मथुरा में एक शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख हैं और अपने शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों के कारण उनकी छवि साफ सुथरी है। हेमा मालिनी मथुरा और वृंदावन की रूपरेखा बदलने और कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को शुरू करने में बहुत सक्रिय रही है। उनके नेतृत्व में मथुरा वृंदावन तीर्थ विकास बोर्ड ने 1 दर्जन विकास कार्य किए हैं। श्री कृष्ण भक्त हेमा मालिनी मथुरा से सांसद के रूप में अपने कार्यकाल में अपने अधूरे एजेंडे को पूरा करने की इच्छुक है।